इंडिया में सरकारें किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर को चुनके उन्हें टैक्स पेयर का पैसा देके सड़कें बनाने को कहती हैं, लेकिन कई कॉन्ट्रैक्टर्स सिर्फ अपने फायदे की वजह से लालच में आके हल्का मटेरियल यूज करके खराब या फिर काम चलाऊ सड़कें बना देते हैं, जो कि थोड़ी दिनों में टूट जाती हैं या फिर उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन अब NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए सख्त रूल्स निकाले हैं। इन रूल्स के मुताबिक अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर की सड़क निर्धारित समय से पहले ही टूट जाती है या फिर वो सड़क खराब बनाता है तो उस पर 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपयों तक का जुर्माना लग सकता है, और अगर उसके द्वारा बनाई गई सड़क में गड्ढे की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर को 2 साल के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। गाइस, आपको ये रूल्स कैसे लगे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और 1936 के हॉकी ओलंपिक फाइनल में जब भारत और जर्मनी की टीमें आमने सामने थीं, तो इस मैच को देखने के लिए जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। पहले हाफ तक हालात ये थे कि 1-0 से भारत जर्मनी से आगे था। ये देखकर जर्मनी के स्टाफ ने मैदान पे पानी फैला दिया ताकि भारतीय खिलाड़ी जो कि सस्ते जूते पहने हुए थे वो ढंग से खेल ही ना पाए, लेकिन ध्यानचंद और उनकी टीम ने जूते उतार दिए और नंगे पांव लगातार 7 गोल करके जर्मनी को बुरी तरह से हरा दिया। इस शर्मनाक हार को देख के हिटलर वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन हिटलर ने ध्यानचंद को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम जर्मनी के लिए खेलो और हम तुम्हें पैसा देंगे, लेकिन उन्होंने साफ मना करते हुए कहा कि मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर इस भारत के सपूत को मेरा सलाम। गाइज, एक बेसिक सा सवाल है मेरा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। सवाल यह है कि पासपोर्ट और वीजा में आखिर फर्क क्या होता है? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है पासपोर्ट। पासपोर्ट एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है जो कि आपको काम आता है बाहर, यानी कि विदेशों में। जब आप बाहर जाते हो और अगर आपको वहां पर अपनी नेशनैलिटी को प्रूव करना पड़ जाए तो वो आप करते हो अपने पासपोर्ट के थ्रू, यानी कि पासपोर्ट आपको डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे काम नहीं आता। दूसरा है वीजा। वीजा एक तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि आपको वो देश प्रोवाइड करता है जहां पर आप घूमने जा रहे हो। उस वीजा पे ये साफ साफ लिखा होता है कि उस देश में आप कितने समय तक रुक सकते हो, ये होता है वीजा। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। जिंदगी में सफलता ऐसे नहीं मिल जाती, उसके लिए बहुत सी चीजों को जानना और समझना पड़ता है। उन्हीं में से 3 चीजें आज मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, सबसे पहले सफलता पाने के लिए आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में वो चीज आपको नहीं मिलती जो आप चाहते हो, बल्कि वो चीज मिलती है जो आप हो। दूसरा, OQP का प्रयास जरूर करो। OQP क्या है? ओनली क्वालिटी पीपल। अपने आप को सिर्फ क्वालिटी लोगों के साथ सराउंडेड रखो। और तीसरा, अगर आप वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करो, क्योंकि जब आप मुंह खोलते हो तो आप दुनिया को बताते हो कि आप क्या हो। गाइस, ये 3 चीजें आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।